दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की बात करेंगे। हम पृथ्वी के आकार, इसकी संरचना के बारे में बताएंगे। हम बात करेंगे पृथ्वी के आकार की, तो यह अंडाकार है। दोस्तों पृथ्वी को लेकर तो आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि पृथ्वी के नीचे क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। इस सवाल के दो मतलब निकलते हैं। पहला सवाल यह आता है कि पृथ्वी के नीचे यानी पूरे ग्रह के नीचे क्या है, मतलब जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो मैं धरती के नीचे क्या दिखाई देता है, और दूसरा ये कि हमारे पैरों के नीचे क्या है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, अगर हमारी पृथ्वी पर एक गड्ढा खोदें और उसे खोदते ही रहें तो क्या हम पृथ्वी के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे? आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि पृथ्वी का आकार एक बड़ी गेंद की तरह है और इसका व्यास 12,700 किलोमीटर माना जाता है। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,075 किलोमीटर मानी जाती है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। सबसे पहले हमें पृथ्वी के आकार व इसकी संरचना को समझते हैं। पृथ्वी का आकार लगभग गोल है और यह अपने ध्रुव पर हल्की सी चपटी है। अब अगर हम बात करें पृथ्वी की संरचना की, तो पृथ्वी कई परतों में बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र की, जिसे कोर कहते हैं। कोर यानी पृथ्वी का केंद्र पूरा मेटल से बना है, जहां पर तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, और यह पृथ्वी का सबसे डेंस हिस्सा है। कोर के ऊपर मेटल की लेयर होती है और इसके ऊपर क्रस्ट की लेयर होती है। अब यदि आप ये समझते हो कि पृथ्वी पर पहाड़, जमीन, समुद्र ये सब सपाट सतह पर हैं, तो आप गलत हैं। ये जितने भी पहाड़, नदियां, समुद्र हैं, ये सब पृथ्वी के पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ पर हैं, और सभी चीजें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित हो रही हैं। अब यदि आप पृथ्वी को खोदना शुरू करते हैं, तो आप पृथ्वी की अलग अलग परतों से होते हुए पृथ्वी के केंद्र यानी कि कोर की तरफ पहुंच जाओगे, जहां का तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म होता है। इस बात की तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। यदि हम कल्पना करें कि हम पृथ्वी के कोर तक पहुंच गए और कोर से बाहर निकलने के लिए दूसरी ओर गड्ढा खोदें, तो हम पृथ्वी के कोर दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। यदि हम भारत के किसी स्थान से खोदना शुरू करते हैं, तो हम साउथ अमेरिका पहुंच जाएंगे। यह सब कुछ हम सच में नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ कल्पना में ही किया जा सकता है। अब हम इंसानों ने पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा सिर्फ 12 किलोमीटर तक खोदा है, जो रूस में है। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी ग्रह के नीचे क्या है, मतलब जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें पृथ्वी से नीचे क्या दिखाई देता है, या फिर यूं कहिए कि पृथ्वी के नीचे क्या है। तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी के नीचे सिर्फ अंतरिक्ष ही है। पृथ्वी के नीचे वैक्यूम ही है, यानी कुछ भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है और यह सौरमंडल हमारी गैलेक्सी में है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। यह अपनी अक्ष पर 30.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।